आज का ये एपिसोड मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ बाय सेइंग अ बिग थैंक यू टू प्रोवोक मैगजीन फॉर फीचरिंग मी इन देयर अप्रैल एडिशन। उस आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाइए पढ़िए ताकि आपको पता चले कि मैं 5 मिनट का किताबी ज्ञान के अलावा अपनी लाइफ में और क्या करती हूँ। अब जिस इंसान के पास कम्युनिकेशन स्किल्स की ताकत है ना, उसे दूसरों से कनेक्शन बनाने के लिए ना गाड़ी चाहिए, ना पैसा, ना गुड लुक्स। लोग अपने आप उनकी तरफ खींचे चले आते हैं, फिर चाहे वो उनके कोलीग्स हों, उनके क्लासमेट्स हों, फ्रेंड्स हों या फिर कोई अनजान। लेकिन जो इंसान दूसरे लोगों से बात करने में घबराते हैं, उनका दर्द कौन समझे। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे अपने शब्दों की ताकत से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं, कैसे अपने लिए तरक्की के नए रास्ते खोल सकते हैं, तो आज का ये एपिसोड है आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि और ये है 5 मिनट का किताबी ज्ञान। और आज का ये एपिसोड खास उन दोस्तों के लिए है जिन्हें दूसरों से बात करने में घबराहट होती है। आपकी इसी उलझन को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लायल लवेंडस की किताब जिसका नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन 92 लिटिल ट्रिक्स फॉर बिग सक्सेस इन रिलेशनशिप्स। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या लिखा है इस किताब में दैट मेक्स इट अ मस्ट रीड फॉर यू। किताब की शुरुआत में ऑथर ने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करी है। क्या आप जानते हैं कि किसी भी इंसान को आपके बारे में एक ओपिनियन फॉर्म करने में सिर्फ 10 सेकंड का टाइम लगता है। लोग ऑब्जर्व करते हैं कि आप कैसे चलते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे स्माइल करते हैं और उसी के बेसिस पर वो आपकी एक छवि अपने मन में बना लेते हैं। यहाँ ऑथर ने दो बहुत ही प्यारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि आपकी जो आंखें हैं ना, वो आपके व्यक्तित्व का आईना है। तो जिन आंखों में लोगों को दया दिखती है, प्यार दिखता है, इंटेलिजेंस दिखती है, उन्हीं आंखों में लोगों को शक भी नजर आता है, इनसिक्योरिटी नजर आती है, जेलसी नजर आती है। तो अगर आप किसी इंसान का विश्वास जीतना चाहते हैं तो उनकी आंखों में डायरेक्टली देखकर बात करें ताकि आप उनका विश्वास जीत सकें। दूसरी बात जो ऑथर ने कही है वो ये कि जब आप किसी से मिलें, स्पेशली जब आप किसी नए इंसान से मिलें, तो प्लीज़ ज़रा मुस्कुराकर मिलिए। मुस्कुराने से सामने वाले इंसान को थोड़ा सेफ महसूस होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई आपसे पहली बार मिले और आपने बत्तीसी दिखा दी, ये भी नहीं करना है। हल्की सी मुस्कान ताकि वो आप पर ट्रस्ट बिल्ड कर सकें और आपके कम्युनिकेशन के रास्ते खुल सकें। अब ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आप चाहेंगे कि लोग आए और आपसे बातें करें। लेकिन अगर आप थोड़े से रिजर्व्ड हैं, लोगों से बात करने में हिचकिचाते हैं, तो हो सकता है आपको नर्वसनेस महसूस हो रही हो पार्टी के नाम से। ऐसे में ऑथर का सुझाव है कि आप कुछ पढ़कर जाएं। हो सके तो पिछले कुछ दिनों की न्यूज़ पढ़कर जाएं, क्योंकि न्यूज़ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मोस्टली सभी को इंटरेस्ट आता है। सो एटलीस्ट यू विल हैव समथिंग टू टॉक अबाउट व्हेन यू गो टू द पार्टी। और अगर आप खुद से कॉन्वर्जेशन ना भी शुरू करें तो हो सकता है कोई और कॉन्वर्जेशन चल रही हो जिसमें आप अपना पर्सपेक्टिव दे सकते हैं और उस कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बन सकते हैं। जब हम किसी इंसान से मिलते हैं, हमारा पहला सवाल होता है व्हाट डू यू डू। शायद आपको मालूम ना हो, पर यह सवाल किसी को आपके नज़दीक लाए ना लाए, आपसे दूर जरूर ले जाएगा। बहुत से लोग हैं जो इस सवाल से चिढ़ते हैं, दे गेट इरिटेटेड विद दिस क्वेश्चन एंड दे डोंट लाइक टू आंसर इट। स्पेशली दोस्त जो कि अपनी लाइफ के एक स्ट्रगलिंग फेज में हैं, उन्हें यह सवाल कतई पसंद नहीं आता। और वो लोग जो अपनी लाइफ में कुछ बन गए हैं, उन्हें भी यह सवाल अच्छा नहीं लगता, बिकॉज दे थिंक कि मैं इतनी मेहनत करके लाइफ की स्टेज तक पहुंचा हूं और इसको पता ही नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से मिलें, इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट डू यू डू, ट्राई टू आस्क हाउ डू दे लाइक टू स्पेंड देयर टाइम। इस छोटी सी ट्वीकिंग से आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल जाएगा और आपकी बातचीत भी शुरू हो जाएगी। वैसे तो हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, लेकिन अगर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपको अपने और उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज ढूंढनी होंगी। देखा नहीं है हमारे पेरेंट्स को कैसे कोई अपने शहर का मिल जाए, ऐसी रिश्तेदारी निकालते हैं कि जैसे जन्मों का रिश्ता हो। ठीक उसी तरह, आई मीन नॉट टू दैट लेवल, लेकिन उसी तरह आपको भी जिस इंसान से आप बातचीत करना चाह रहे हैं उसके और अपने बीच में कुछ सिमिलैरिटीज ढूंढनी होंगी। इससे एक तो आपको बात करने में कंफर्ट आएगा और सेकेंडली देर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। एक टेक्निक जो मुझे बहुत पसंद आई है उसका नाम है पैरटिंग। पैरटिंग का मतलब है कि अगर आप किसी इंसान के साथ हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि इनसे क्या बात करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, वो जो कह रहे हैं उस सेंटेंस का आखिरी वर्ड दोबारा बोल देना है। ये टेक्निक मैंने खुद ट्राई करी है और ये बहुत इफेक्टिव है। दी अदर डे आई वॉज टॉकिंग टू दिस लेडी ओवर वीडियो कॉल और उन्होंने बताया कि वो डिजिटल मार्केटिंग में काम करती हैं। तो मैंने बोला डिजिटल मार्केटिंग, उन्होंने बोला हाँ बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है, इनफैक्ट मैंने तो अपनी खुद की एजेंसी स्टार्ट कर दी। मैंने बोला एजेंसी, तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो बहुत टाइम से अपना बिजनेस करना चाह रही थी। एंड यू वुड नॉट बिलीव, उनकी मेरी पहली बार बात हो रही थी एंड द कॉन्वर्जेशन वेंट ऑन फॉर सो लॉन्ग। तो अगली बार अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जिनके साथ आपको समझ ना आए कि मैं क्या बात करूं, पैरेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल जरूर करना। देखिए, लोगों का दिल जीतना, उनसे रिश्ता बनाना एक कला है।
जितना लोग आपको पसंद करेंगे उतना ज़्यादा आपको ट्रस्ट करेंगे, और जितना वो आपको ट्रस्ट करेंगे उतनी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। इस किताब में छोटी छोटी ऐसी ट्रिक्स लिखी हैं जो कि समझने में भी आसान है और इम्प्लीमेंट करने में भी। तो अगर आप अपनी कॉन्वर्जेशन से लोगों के दिल और दिमाग पर एक छाप छोड़ना चाहते हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए, डिटेल्स आपके सामने हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धीरे धीरे ये चैनल 1000 सब्सक्राइबर मार्क की तरफ बढ़ रहा है और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। अगर आपको इन वीडियोस से वैल्यू मिल रही है, आपको लग रहा है आपकी नॉलेज बढ़ रही है, तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि हम बुक्स की नॉलेज लाखों लोगों तक पहुंचा सके। तो अब हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक पैरेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल कम से कम एक बार अपनी कॉन्वर्जेशन में ज़रूर कीजिए और सपने देखना बिल्कुल भी मत छोड़िए।